साहिबगंज जिले के राजमहल प्रखंड में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ जिला इकाई ने आज उपायुक्त कार्यालय के समक्ष एक दिवसीय धरना दिया। धरने के माध्यम से अर्जुन कर्मकार ने राजमहल प्रखंड विकास पदाधिकारी पर पैसे लेने का आरोप लगाते हुए उपायुक्त साहिबगंज से जांच की मांग की। राजमहल प्रखंड में अम्बुआ आवास हो या फिर विकास की कोई भी काम, सभी में व्याप्त भ्रष्टाचार, जहां पैसे की लेन देन के बिना नहीं होता। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष ने दावा किया कि उनके पास सभी आरोपों के साक्ष्य हैं, जिसे वो जांच होने पर प्रस्तुत करेंगे। इधर राजमहल वीडियो से फोन और संपर्क किए जाने पर उन्होंने बताया कि ये सारी बातें गलत हैं, बेबुनियाद हैं। साहिबगंज से सहेंद्र प्रसाद की रिपोर्ट। अब आवास में 30 से 40 हजार गरीबों से जो पैसे छतदार वाले हैं, दुमंजिलाल वाले हैं, उनको दिया जाता है पैसे रिश्वत लेकर, और जो गरीब पैसे नहीं देते हैं रुपया, उसको नहीं दिया जा रहा है। वो टाटी पुष का मकान रहने वाले हैं। उनके बाद जो पीसीसी सड़क है, धरातल पर कार्य नहीं किया, उस पर जो है फर्जी तरीका से निकासी की गई है, फर्जी ग्राम सभा किया गया है। इसी मुद्दा को लेकर हमने इस धरना पर बैठे हुए हैं कि हमारे मांग डीसी साहब इस मुद्दा को मांग पूरा किया है, और जो वीडियो साहब जो गलत कर रहे हैं उसको नौकरी से बर्खास्त की जाए, और जो मुखिया राजमहल का मामला है, पंचायत पश्चिमी जामनगर का मामला है, जो कि ऐसा ये घटना घट रहा है, गरीबों को जो है सही तरीका से नहीं मिला है, ये समस्या को लेकर बैठे। क्या बोलते हैं वहाँ के वीडियो? वहाँ के वीडियो कह रहे हैं कि हम इस पर मुखिया जो कहेंगे उसी पर हम मानेंगे। कई बार पत्र भी लिखे, कोई एक्शन और कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए मैं आज धरने पर बैठी हूँ। पैसा लेने का आरोप लगा रहे हैं, साक्ष्य है? सच है मेरे पास, और जो पीसीसी का सड़क जो घपला किया उसका भी मेरे पास सबूत। मनरेगा में ये सब योजना नहीं किया है, जो कई योजना में जो पानी का टैंकी लगाया गया वहाँ बोरिंग नहीं किया गया, वो भी सबूत है। ये सब समस्या को लेकर हम बैठे हुए हैं। हम चाह रहे हैं कि न्याय मिले और कड़ा से कड़ा कठोर दंड दिया जाए, सजा दिया जाए उनको, और नौकरी से बर्खास्त किया जाए। पूरा आंदोलन करने के लिए बात हो जाए।